नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जैसलमेर से बड़ी खबर, गढ़ीसर पाल के पीछे धार्मिक छतरियों और मूर्तियों को खंडित करने का मामला प्रकाश में आया है। घटनास्थल पर धर्म विशेष के उर्दू में लिखे पर्चे भी बिखरे हुए मिले हैं, जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त हो गया है। जब भूतरा परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पूर्वजों की मूर्तियां वहां खंडित पड़ी मिली और कई पर्चे बिखरे हुए मिले। इस बात को लेकर उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी वहां पहुंचा और हिंदू समाज के कई संगठनों के लोग वहां पहुंचे और बाद में इस सारे मामले की लिखित में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। अमृतलाल भूतरा ने थानाधिकारी पुलिस कोतवाली जैसलमेर को लिखे आवेदन में, जिसमें उन्होंने पुलिस प्राथमिक दर्ज करने का निवेदन किया है, इसके अनुसार उन्होंने बताया कि अमृतलाल भूतरा दामोदर दास भूतरा, जाति भूतरा, निवासी रेलानी पाड़ा जैसलमेर। उन्होंने बताया कि हिंदू समाज एवं हमारी धार्मिक रीति अनुसार पितरों की पूजा के लिए पूजा स्थल दामोदर दास भूतरा की मूर्तियां स्थापित की गई थी। उन मूर्तियों पर छतरियों का निर्माण करवाया गया था। उन पूजा स्थलों पर अन्य भी हिंदुओं के पूजा स्थान व शमशान एवं समाधियां बनी हुई है, जहां पर हमारे द्वारा पितरों की छतरियों पर जाकर प्रत्येक माह पूजा अर्चना रीति अनुसार की जाती है। 28 तारीख को सुबह जब 10 बजे करीब मेरे पितरों की छतरियों पर वहां गए तो मैं वहां खंडित मिली और चारों तरफ टुकड़े फैले हुए मिले। पिछले एक दो दिनों में किसी समय इन मूर्तियों को तोड़ा गया है और जो तोड़ा गया उसका ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में ही तोड़ा गया है। उक्त मूर्तियों को जानबूझकर धार्मिक आस्था को ठेक पहुंचाने और उर्दू में पर्चे फेंककर हमें डराने, धमकाने, हमारे पूजा स्थलों पर कब्जा करने की गरज से यह कृत्य विधर्मियों व असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है। वहां पास में अन्य हिंदू आस्थाओं के प्रतीक छतरियां और पूजा स्थलों को तोड़ा गया है, जिसे देखकर लगता है कि यह कृत्य वहां की भूमि पर कब्जा करने और धार्मिक उन्माद फैलाने की दृष्टि से किया गया है। हमारे पितरों की मूर्तियां तोड़ने और पूजा स्थल को अपवित्र करने से हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद समाज व अन्य लोग भी घटनास्थल पर आए, पुलिस को भी बुलाया गया। अज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए उक्त कृत्य से हमारे समाज को भारी रोष है एवं समाज की आस्था एवं धर्म को ठेस पहुंची है, जिससे दो समुदाय में इस संबंध में पुलिस को पेश FIR पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह ने डेजर्ट स्टॉर्म को बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कर शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर के गढ़ीसर चौराहे के पास में, गढ़ीसर से पीछे जो पुरानी छतरियां बनी हुई जिनका शमशान घाट है हिंदू समाज का, वहां पर आज से 35 वर्ष पहले जो छतरियां बनी हुई थी उन छतरियों के अंदर जो मूर्तियां स्थापित थी उन मूर्तियों को असामाजिक तत्वों के द्वारा जानबूझ करके तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में वहाँ पर कुछ ऐसे पर्चे डाले गए जिन पर्चों के ऊपर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कुछ पर्चों को हमने गूगल पे ट्रांसलेट किया तो उस समय वहाँ पर आया कि वास्तव में अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं है। इस प्रकार की योजनाबद्ध रूप से उन छतरियों को जानबूझ करके तोड़ा गया और जैसलमेर में ऐसा पहला नहीं हुआ है। आज से पहले भी कई प्रकार की मंदिर और मूर्तियां थी उनको ध्वस्त करके एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है और वह जैसलमेर में काफ़ी समय से किया जा रहा है और ये जैसलमेर के लिए और समस्त राजस्थान के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। सीमावर्ती क्षेत्र है और एक गिरोह है जो इस प्रकार का कार्य करता है और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित करते रहते हैं। पूरे हिंदू समाज के अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश है। कुछ समय पहले जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे कि छतरियां और मूर्तियां तोड़ी गई थी, आज फिर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। प्रशासन और राजस्थान सरकार कहीं न कहीं नींद में सोई हुई है। हिंदू समाज के कोई उग्र आंदोलन हो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि प्रशासन से आग्रह करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और जैसलमेर और राजस्थान की शांति व्यवस्था बनी रहे। बासंतपीर में भी कई पालीवाल समाज की छतरियाँ जो वही कई पुरानी प्राचीन थी और धार्मिक आस्था से जुड़ी थी उनको भी तोड़ा गया था। बासंतपीर के अंदर भी जिस प्रकार से जो आज से 150-200 वर्ष पूर्व जो छतरियों की स्थापना हुई थी और उन लोगों ने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति देकर के जैसलमेर की रक्षा की थी
और उन लोगों की वो जो छतरियां बनी हुई थी उन छतरियों को तोड़ा गया था। उसके बाद में हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि कुछ समय निर्धारित किया था कि इतने समय के अंदर उन छतरियों का पुनर्निर्माण करने में वो बाधक बन रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज फिर गड़ीसर के पीछे जो छतरियाँ तोड़ी गई उनके अंदर स्थापित मूर्तियाँ जिनकी निरंतर पूजा होती थी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और संपूर्ण हिंदू समाज इसको लेकर के उद्वेलित है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।